Hi guys, welcome back to my channel. So guys, I am Ayushi and I hope you all are doing good and stay safe. So guys, आज मैं oily skin वालों के लिए एक रेंज लेके आई हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छी रेंज है और आप उसका नाम भी जान के बहुत ही खुश होंगे क्योंकि ये एक है वनीला रेंज. और गाइज, वनीला तो हम सबको बहुत ही पसंद होता है, फ्रेग्रेंस भी प्लस वनीला की आइसक्रीम भी. तो इस रेंज की फ्रेग्रेंस बिल्कुल वनीला आइसक्रीम जैसी है, ऐसा लगेगा कि हम वनीला आइसक्रीम ही खा रहे हैं, अपने फेस पे लगा रहे हैं. सो गाइस, इसका हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं, पर आप रिव्यू पूरा देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और गाइस, अब हम रिव्यू स्टार्ट कर रहे हैं. सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको उसका फेस वॉश दिखा देती हूँ. गाइस, ये है वनीला का रिफ्रेशिंग फेस वॉश. जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, यह हमारी स्किन में एक रिफ्रेशनेस लाता है. और गाइस, ये गुड वाइब ब्रांड्स की तरफ से है, तो ये पैराबेन और सल्फेट फ्री प्रोडक्ट है. एंड गाइस, इसकी प्राइस है 175 रुपीज फॉर 120 ml ऑफ प्रोडक्ट एंड इसकी शेल्फ लाइफ है 2 इयर्स. बट अगर आप इसे रेगुलर यूज करेंगे तो ये 3 to 4 months में खत्म हो जाए. मैं इस प्रोडक्ट को इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि जैसा कि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, इसने मेरी स्किन से ऑयल को रिमूव किया है और मेरी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाया है. मेरी स्किन में एक नरिशमेंट प्रोवाइड किया है, वो ऑयली ऑयली वाला नरिशमेंट नहीं, मतलब एक इनबिल्ट नरिशमेंट जो होता है. ये फेस वॉश हमारी स्किन में ग्लो प्रोवाइड करता है, रेडियंस प्रोवाइड करता है जितनी भी बार हम अपना फेस वॉश करेंगे. और गाइस, जैसा कि सबको पता है, वनीला हमारी स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाता है, एक्ने से ट्रीट करता है, हमारी स्किन के टेक्सचर को भी बहुत ही अच्छा करता है. एंड गाइस, मैं आपको इसका कलर दिखा दे. गाइस, जैसा कि दिख रहा है, एक ट्रांसपेरेंट कंसिस्टेंसी में है. मैं आपको इसका अपने हैंड में दिखाती हूँ. लुक एट दिस, एक ट्रांसपेरेंट कंसिस्टेंसी में है और ये ज्यादा रनी भी नहीं है. ये बहुत ही इजीली हमारी स्किन से ऑयल एंड डर्ट को रिमूव कर देता है. सो गाइस, मेरे लिए तो थम्स अप है इस प्रोडक्ट को. अब मैं आपको इसकी क्रीम, स्क्रब और मास्क दिखा देती हूँ. गाइस, हमें फेस वॉश के साथ बाद हमेशा टोनर का यूज करना चाहिए. मेरे पास वनीला का टोनर नहीं है, तो आप कोई भी टोनर यूज कर सकते हैं. ये मैं आपको क्लींजिंग के स्टेप्स बता रही हूँ. ये आप क्लींजिंग में भी यूज कर सकते हैं और डेली आप प्रोडक्ट्स भी ये यूज कर सकते हैं. सो गाइस, अब मैं आपको इसका स्क्रब दिखा देती हूँ. है वनीला का स्किन रिवाइटलाइजिंग स्क्रब, जिसकी प्राइस है 195 रुपीज और जिसकी क्वांटिटी है 50 ग्राम्स. इसकी शेल्फ लाइफ भी 2 इयर्स है. और गाइस, ये एक बहुत ही माइल्ड स्क्रब है. आपका काम होता है हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करना, डेड स्किन को हटाना, और वही काम ही स्क्रब भी करता है. ये स्क्रब हमारी स्किन से इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है और कोई भी इरिटेशन नहीं आने देता, और फ्रेग्रेंस भी बहुत माइल्ड है जिससे किसी को भी इरिटेशन नहीं होगी. गाइस, इसमें वनीला की स्वीट सी फ्रेग्रेंस है जैसी हमें वनीला आइसक्रीम में आती है. मैं आपको इसको ओपन करके इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ. गाइस, इसकी पैकेजिंग नॉर्मल है जैसे कि गुड वाइब्स के हर प्रोडक्ट की होती है. लुक एट द टेक्सचर, आप इसे खुद ही देख रहे होंगे मैंने इसे कितना यूज किया हुआ है. एंड गाइस, ये एक व्हाइट कलर के टेक्सचर में आता है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि छोटे छोटे ग्रैनुल के पार्टिकल्स हैं, जो बिल्कुल भी हार्श नहीं है, बहुत ही जेंटल है स्किन पर. लुक एट दिस, इसकी कंसिस्टेंसी भी नॉर्मल है, ना ज्यादा थिक है ना रनी है, बट ये यूज करने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है. एंड फ्रेग्रेंस तो मैंने आपको बताई ही, बिल्कुल वनीला आइसक्रीम जैसी है. गाइस, इसे भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. आप ऑयली स्किन वाले तो वनीला का स्किन पे आप फेशियल भी कर सकते हैं इसके 5 प्रोडक्ट्स लेकर. सो गाइस, अब मैं आपको इसकी क्रीम दिखा देती हूँ. फेशियल में हम स्क्रब करने के बाद क्रीम से मसाज करते हैं, वही ये क्रीम भी है. गाइस, इसकी प्राइस है 225 रुपीज और जिसकी क्वांटिटी है 50 ग्राम्स. और जैसा कि इसमें लिखा है, ये डीप मॉइस्चराइजेशन के लिए है क्रीम. गुड वाइब्स वनीला डीप मॉइस्चराइजेशन फेस क्रीम. सो गाइस, ये फेस क्रीम हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है अंदर से, ऐसा नहीं कि हमारी स्किन को ऑयली ऑयली दिखाएगी. एंड गाइस, ये हमारी स्किन को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करती है, पॉल्यूटेंट से प्रोटेक्ट करती है. ये क्रीम हमारे एजिंग के साइंस को रिड्यूस करती है, हमारी स्किन को ब्राइट करती है. और गाइस, ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है स्किन पर, ये हमारी स्किन पे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देती है और एक ग्लो प्रोवाइड करती है. मैं इसे आपको ओपन करके दिखाती हूँ इसका टेक्सचर. गाइस, वनीला की रेंज बहुत ही अच्छी है, आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. लुक एट दिस, आपने देखा मैंने इसे कितना यूज किया, और एक व्हाइट कलर की क्रीम है.
जो एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आती है. लुक एट दिस. एंड गाइज ये स्किन में भी इजिली एब्सॉर्ब हो जाती है. गाइज मैं आपको बता दूं, ये लगाने के बाद हमारी स्किन में एक हल्का सा ग्लो प्रोवाइड करती है. लुक एट दिस. जब आप इससे अपनी स्किन पे मसाज करेंगे तो आप खुद ही देख सकते हैं क्या ग्लो आएगा आपकी स्किन पर. एंड गाइज ये एक अफोर्डेबल स्किन केयर है, या आप इसे अफोर्डेबल CTM भी कह सकते हैं, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी है. गाइज लास्ट है इसका फेस मास्क. ये है ऑयल कंट्रोल फेस मास्क. जैसे कि ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो ये फेस मास्क तो खुद ही क्लेम करता है कि ये ऑयल कंट्रोल फेस मास्क है. गाइज इसकी प्राइस भी 225 रुपीज है 50 ग्राम के प्रोडक्ट्स के लिए, और इसकी शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स गाइज. बट मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि जब मैंने इसे अप्लाई किया था तो कुछ सेकंड्स के लिए मेरी स्किन पे इरिटेशन हुई थी, उसके बाद ये सही हो गया था. एंड गाइज ये फेस वॉश हमारी स्किन में ग्लो प्रोवाइड करेगा, हमारी स्किन से ऑयल को खींच लेगा, पीएच बैलेंस को हमारे मेंटेन करेगा. ये फेस मास्क कुछ इस तरीके का दिखता है, वाइट कलर का, और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल मीडियम है. कोई भी बहुत ज़्यादा ये ड्राई या बहुत ही लिक्विडी कंसिस्टेंसी नहीं है. गाइज ये प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं हमारी स्किन के लिए, और खासकर ऑयली स्किन के लिए. एज जैसे मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, तो मेरे लिए प्रोडक्ट्स ने तो वर्क किया, और ये 99% ऑयली स्किन वालों के लिए भी वर्क करेंगे. आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. ये एक्सक्लूसिवली पर्पल पे ही मिलेंगी, क्योंकि पर्पल की खुद की ब्रांड है, और आप एक बार इसे ट्राई करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे. सो गाइज इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इन्हें वहां से परचेज कर सकते हैं. एंड गाइज ये था मेरा आज का रिव्यू गुड वाइब्स की वनीला रेंज को लेके, जो एक ऑयली स्किन की रेंज है. गाइज इसे आप स्किन केयर और अपने डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं, प्लस आप इसका क्लींजिंग या फेशियल भी कर सकते हैं आप इससे. सो गाइज अगर आपको मेरा ये रिव्यू थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और गाइज कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए आप आगे किस चीज का रिव्यू देखना चाहते हैं, तो ताकि मैं उन प्रोडक्ट्स को मंगा के उनको यूज करके उनका रिव्यू आपके साथ शेयर कर सकूं. सो गाइज अब हम मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय.